नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में आज हम पढ़ने जा रहे हैं षष्ठतम सर्ग, अर्थात अरण्य कांड से 60वां सर्ग। और इस सर्ग में है श्री राम का विलाप करते हुए वृक्षों और पशुओं से सीता का पता पूछना, भ्रांत होकर रोना और बारंबार उनकी खोज करना। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। मृषमाव्रजमानस्य तस्याधो वामलोचनम् प्रास्फुरच्चास्खलद्रामो वेपथुश्चास्य जायते उपालक्ष्य निमित्तानि सो अशुभानि मुहुर्मुहुः अपिक्षेमं तु सीताया इति वै व्याजहारः। त्वरमाणो जगामाथ सीता दर्शन लालसः शून्यमावसथं दृष्ट्वा बभूवोद्विग्नमानसः। उद्भ्रमन्निव वेगेन विक्षिपन् रघुनन्दनः तत्र तत्रोटजस्थानं विवीक्ष समन्ततः। ददर्श पर्णशालां च सीतया रहितां तदा श्रिया विरहितां ध्वस्तां हेमन्ते पद्मिनीमिव। आश्रम की ओर आते समय श्री राम की बाईं आंख की नीचे वाली पलक जोर जोर से फड़कने लगी। श्री राम चलते चलते लड़खड़ा गए और उनके शरीर में कंपन होने लगा। बारंबार इन अपशकुनों को देखकर वे कहने लगे, क्या सीता सकुशल होंगी? सीता को देखने के लिए उत्कंठित हो वे बड़ी उतावली के साथ आश्रम पर गए। वहाँ कुटिया सुनी देख उनका मन अत्यंत उद्विग्न हो उठा। रघुनंदन बड़े वेग से इधर उधर चक्कर लगाने लगे, हाथ पैर चलाने लगे। उन्होंने वहाँ जहाँ तहाँ बनी हुई एक एक पर्णशाला को चारों ओर से देख डाला, किंतु उस समय उसे सीता से सुनी ही पाया। जैसे हेमंत ऋतु में कमलिनी हिम से ध्वस्त हो श्रीहीन हो जाती है, उसी प्रकार प्रत्येक पर्णशाला शोभा शून्य हो गई थी। रुदन्तम् एव वृक्षैश्च ग्लानपुष्पमृगद्विजं श्रियाविहीनं विध्वस्तं संत्यक्तं वनदैवतैः विप्रकीर्णाजिनकुशं विप्रविद्धवृषिकटम् दृष्ट्वा शून्योटजस्थानं विललाप पुनः पुनः। हृता मृता वा नष्टा वा भक्षिता वा भविष्यति निलीनाप्यथवा भीरुरथवा वनमाश्रिता गता विचेतुं पुष्पाणि फलान्यपि च वा पुनः अथवा पद्मिनीं याता जलार्थं वा नदीं गता। यत्नान् मृगयमाणस्तु नाससाधुवने प्रियां शोकरक्ते क्षणः श्रीमानुन्मत्त इव लक्ष्यते। वह स्थान वृक्षों की सनसनाहट के द्वारा मानो रो रहा था, फूल मुरझा गए थे, मृग और पक्षी मन मारे बैठे थे, वहाँ की संपूर्ण शोभा नष्ट हो गई थी, सारी कुटी उजाड़ दिखाई देती थी। वन के देवता भी उस स्थान को छोड़कर चले गए थे। सब ओर मृग चर्म और कुश बिखरे हुए थे, चटाइयाँ अस्त व्यस्त पड़ी थीं,
पर्णशाला को सुनी देख भगवान श्री राम बारंबार विलाप करने लगे। हाय, सीता को किसी ने हर तो नहीं लिया, उसकी मृत्यु तो नहीं हो गई, अथवा वह खो तो नहीं गई, या किसी राक्षस ने उसे खा तो नहीं लिया, वह भीरु कहीं छिप तो नहीं गई है, अथवा फल फूल लाने के लिए वन के भीतर तो नहीं चली गई। संभव है फल फूल लाने के लिए ही गई हो, या जल लाने के लिए किसी पुष्करिणी अथवा नदी के तट पर गई हो। श्री रामचंद्र जी ने प्रयत्नपूर्वक अपनी प्रिय पत्नी सीता को वन में चारों ओर ढूंढा, किंतु कहीं भी उनका पता न चला। शोक के कारण श्रीमान राम की आंखें लाल हो गई, वे उन्मत्त के समान दिखाई देने लगे। कितना भी सकारात्मक सोचते थे वो, लेकिन हृदय से शोक उदासी जाती नहीं थी। कहीं न कहीं भान था उन्हें कि सीता के साथ अवश्य ही कुछ अनिष्ट हुआ है। वृक्षाद वृक्षम प्रधावन स गिरीश्चापि नदी नदम बभ्राम विलपन रामः शोक पंकार्ण वप्लुतः अस्ति कच्चित् त्वया दृष्टा सा कदम्ब प्रिया प्रिया कदम्ब यदि जानीषे शंस सीताम शुभाननाम स्निग्ध पल्लव संकाशाम पीत कौशेय वासिनी शंसस्व यदि सा दृष्टा बिल्व बिल्वोपमस्तनी अथवा अर्जुन शंस त्वं प्रियां ताम अर्जुन प्रियां जनकस्य सुता तन्वी यदि जीवति वानवा ककुभः ककुभोरुम ताम व्यक्तम जानाति मैथिली लता पल्लव पुष्पाढ्यो भाति हेशः वनस्पतिः भ्रमर रूप गीतश्च यथा द्रुम वरोह्यसि एष व्यक्तं विजानाति तिलकस्तिलक प्रिया। तो एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष के पास दौड़ते हुए श्री राम पर्वतों नदियों और नदों के किनारे घूमने लगे। शोक से समुद्र में डूबे हुए श्री रामचंद्र जी विलाप करते करते वृक्षों से पूछने लगे, हे कदम्ब, मेरी प्रिया सीता तुम्हारे पुष्प से बहुत प्रेम करती थी, क्या वह यहाँ है? क्या तुमने उसे देखा है? यदि जानते हो तो उस शुभानना सीता का पता बताओ। उसके अंग सुस्रिग्ध पल्लवों के समान कोमल हैं तथा शरीर पर पीले रंग की रेशमी साड़ी शोभा पाती है। हे बिल्व, यानी पत्तों से कह रहे हैं, मेरी प्रिया के अंग तुम्हारे ही समान हैं, यदि तुमने उसे देखा हो तो बताओ। फिर अर्जुन के वृक्ष से बात करते हुए कहते हैं, तुम्हारे फूलों पर मेरी प्रिया का विशेष अनुराग था, अतः हे अर्जुन तुम ही उसका कुछ समाचार बताओ। कृशांगी जनक किशोरी जीवित है या नहीं? यह कुकब अपने ही समान उरु वाली मिथिलेश कुमारी को अवश्य जानता होगा, क्योंकि यह वनस्पति लता पल्लव तथा फूलों से संपन्न हो बड़ी शोभा पा रहा है। हे कुकब, तुम सब वृक्षों में श्रेष्ठ हो, क्योंकि ये भ्रमर तुम्हारे समीप आकर अपने झंकारों द्वारा तुम्हारा यशोगान करते हैं। तुम ही सीता का पता बताओ। लेकिन फिर निराश हो जाते हैं, क्योंकि कहीं से कोई उत्तर नहीं आ रहा है, और फिर तिलक वृक्ष की ओर देखकर कहते हैं कि यह अवश्य सीता के विषय में जानता होगा, क्योंकि मेरी प्रिय सीता को भी तिलक से प्रेम था। अशोक शोकापनुद शोकोपहत चेतनम त्वन्नामानम कुरु
क्षिप्रम प्रिया संदर्शनेन माम् यदि तालत्वया दृष्टा पक्वतालोपमस्तनी कथयस्व वरारोहाम् कारुण्यम यदि ते मयि यदि दृष्टा त्वया जम्बो जाम्बूनद समप्रभा प्रियां यदि विजानासि निःशङ्क कथय स्वमे अहो त्वं कर्णिकाराध्य पुष्पितः शोभसे भृशं कर्णिकार प्रियां साध्वीं शंस दृष्टा यदि प्रिया। फिर अशोक वृक्ष से बात करते हुए श्री राम कहते हैं कि हे अशोक, तुम तो शोक दूर करने वाले हो, इधर मैं शोक से अपनी चेतना खो बैठा हूँ। मुझे मेरी प्रियतमा का दर्शन कराकर शीघ्र ही अपने जैसे नाम वाला बना दो, मुझे अशोक कर दो, मुझे शोकहीन कर दो। हे ताल वृक्ष, तुम्हारे पके हुए फल के समान अंगों वाली सीता को यदि तुमने देखा हो तो बताओ। यदि मुझ पर तुम्हें दया आती हो तो उस सुंदरी के विषय में अवश्य कुछ कहो। हे जामुन जाम्बूनद यानी सोने के समान कांति वाली मेरी प्रिया, यदि तुम्हारी दृष्टि में पड़ी हो, यदि तुम उसके विषय में कुछ जानते हो तो निशंक होकर मुझे बताओ। हे कनेर, आज तो फूलों के लगने से तुम्हारी बड़ी शोभा हो रही है और मेरी प्रिया साध्वी सीता को तुम्हारे ये पुष्प बहुत पसंद थे, यदि तुमने उसे कहीं देखा हो तो मुझसे उसका हाल कहो। चूतनीप महासालान पंसान कुरुवान धवान दाढ़िमान पितान गत्वा दृष्ट्वा रामो महायशाः बकुलानथ पुन्नागाश्चन्दनान् केतकांस्तथा पृच्छन् रामो वने भ्रान्त उन्मत्त इव लक्ष्यते अथवा मृगशावाक्षीं मृगजानासि मैथिलीं मृगविप्रेक्षणी कान्ता मृगीभिः सहिता भवे गजसा गजना सोरुर्यदि दृष्टा त्वया भवेत् तामन्ये विदितां तुभ्यमाख्याहि वरवारण शार्दूल यदि सा दृष्टा प्रिया चन्द्रनिभानना मैथिली मम विश्रामधः कथयस्व नते भयम्। तो बस इसी प्रकार आम कदम्ब विशाल शाल कटहल कुरव धव और अनार आदि वृक्षों को भी देखकर महायशस्वी श्री रामचंद्र जी उन सब के पास गए और बकुल पुन्नाग चंदन तथा केवड़े आदि के वृक्षों से भी पूछते फिरे सीता का हाल। उस समय वे वन में पागल की तरह इधर उधर भटकते दिखाई देते थे। अपने सामने हरण को देखकर वे बोले, हे मृग तुम ही बताओ, मृगनयनी मैथिली को जानते हो? मेरी प्रिया की दृष्टि भी तुम हरिणों जैसी ही है, अतः संभव है वो तुम्हारे ही साथ हो, हरिणियों के साथ हो। हे श्रेष्ठ गजराज, तुम्हारी सूंड के समान ही जिसके दोनों उरु हैं उस सीता को संभवतः तुमने देखा होगा। मालूम होता है तुम्हें उसका पता विदित है, अतः बताओ वह कहाँ है। हे व्याघ्र, यदि तुमने मेरी प्रिया चंद्रमुखी मैथिली को देखा हो तो निशंक होकर बता दो, मुझसे तुम्हें कोई भय नहीं होगा। किम धावसि प्रिये नूनम दृष्टासि कमले क्षणे वृक्षैराच्छाद्य चात्मानं किं माम न प्रतिभाषसे तिष्ठ तिष्ठ वरारोहेण ते अस्ति करुणामयी
नात्यर्थम हास्य शीलासे किमर्थम मामुपेक्षसे पीत कौशेय केनासे सूचिता वरवर्णिनी धावन्त्यपि मया दृष्टा तिष्ठयत्यस्ति सौहृदम् नैव सानूनमथवा हिंसिता चारुहासिनी कृच्छ्रम प्राप्तम न माम नूनम यथोपेक्षेतुमर्हति व्यक्तम सा भक्षिता बाला राक्षसैः पिशिता शनैः विभज्यांगानि सर्वाणि मया विरहिता प्रिया। तो श्री राम अब सब पेड़ पौधों से, मृगों से, व्याघ्रों से, गजराज से, सबसे पूछ रहे थे। इतने ही में उनको भ्रम हुआ कि सीता उधर भाग कर छिप रही हैं। तब वे बोले, प्रिय क्यों भागी जा रही हो, हे कमल लोचने, निश्चय ही मैंने तुम्हें देख लिया है। तुम वृक्षों की ओट में अपने आप को छिपा कर मुझसे बात क्यों नहीं करती हो। हे वरारोहे, ठहरो जरा, क्या तुम्हें मुझ पर दया नहीं आ रही है? अधिक हास परिहास करने का तुम्हारा स्वभाव तो नहीं था, फिर किस लिए इस प्रकार मेरी उपेक्षा कर रही हो अथवा मेरी परीक्षा ले रही हो। हे सुंदरी, तुम्हारी पीली रेशमी साड़ी से ही यह सूचना मिल जाती है कि तुम कहाँ हो। भागी जाती हो तो भी मैंने तुम्हें देख लिया है। यदि मेरे प्रति स्नेह एवं सौहार्द हो तो खड़ी हो जाओ। और फिर भ्रम दूर होने पर पुनः श्री राम व्यथित हो उठे। समझ गए थे निश्चय ही सीता वहाँ नहीं है। उस मनोहर मुस्कान वाली सीता को राक्षसों ने शायद मार डाला है, अन्यथा इस तरह संकट में पड़े हुए कि मेरी वो कदापि उपेक्षा नहीं कर सकती थी। स्पष्ट जान पड़ता है कि मांस भक्षी राक्षसों ने मुझसे बिछड़ी हुई मेरी भोली भाली प्रिया मैथिली को उसके सारे अंग बांट कर खा लिया है। नूनम तच्छु भदंतोष्ठम सुनासम शुभ कुंडलम पूर्ण चंद्र निभम ग्रस्तम मुखम निष्प्रभताम गतम साहि चंपक वर्णाभा ग्रीवाग्रवेय कोचिता कोमला विलपन्त्यास्तु कांताया भक्षिता शुभा नूनम विक्षिप्य माणौ तौ बाहू पल्लव कोमलौ भक्षितौ वेपमानाग्रस्ताभरणाङ्गदौ मया विरहिता बाला रक्षसाम भक्षणाय वै सार्थिनेव परित्यक्ता भक्षिता बहु बांधवा। श्री राम को लगभग विश्वास सा होने लगा है कि उसे अवश्य राक्षसों ने मार दिया है। सुंदर दांत, मनोहर ओष्ठ, सुघड़ नासिका से युक्त तथा रुचिर कुंडलों से अलंकृत वह पूर्ण चंद्रमा के समान अभिराम मुख राक्षसों का ग्रास बनकर निश्चय ही अपनी प्रभा खो बैठा होगा। रोती बिलखती हुई प्रियतमा सीता की वह चंपा के समान वर्ण वाली कोमल एवं सुंदर ग्रीवा गर्दन, जो हार और हंसली आदि आभूषण पहनने के योग्य थी, निशाचरों का आहार बन गई होगी। वे नूतन पल्लवों के समान कोमल भुजाएं, जो इधर उधर पटकी जा रही होंगी और जिनके अग्रभाग कांप रहे होंगे, हाथों के आभूषण तथा बाजूबंद सहित निश्चय ही राक्षसों के पेट में चली गई होंगी वे। मैंने राक्षसों का भक्ष्य बनने के लिए ही उस बाला को अकेली छोड़ दिया। यद्यपि उसके बंधु बांधव बहुत हैं, तथापि वह यात्रियों के समुदाय से विलग हुई किसी अकेली स्त्री की भांति निशाचरों का ग्रास बन गई। हा लक्ष्मण महाबाहो
पश्यसे त्वं प्रियां क्वचित् हा प्रिये क्व गता भद्रे हा सीतेति पुनः पुनः। इत्येवं विलपन् रामः परिधावन् वनाद्वनम् क्वचिदुद्भ्रमते वेगात् क्वचिद्विभ्रमते बलात् क्वचिन्मत्तैवा भाति कान्तान्वेषण तत्परः स वनानि नदीः शैलान् गिरिप्रस्थवनानि च काननानि च वेगेन भ्रमत्य परिसंस्थितः। तदा स गत्वा विपुलं महद्वनं परीत्य सर्वं त्वथ मैथिलीं प्रति अनिष्ठिताशः स चकार मार्गणे पुनः प्रियायाः परं परिश्रमम्। विलाप करते हुए श्री राम लक्ष्मण की ओर देख के कहते हैं, हा महाबाहो लक्ष्मण, क्या तुम कहीं मेरी प्रियतमा को देखते हो? हा प्रिये, हा भद्रे, हा सीते, तुम कहाँ चली गई? इस तरह बारंबार विलाप करते हुए श्री रामचंद्र जी एक वन से दूसरे वन में दौड़ने लगे। वे कहीं सीता की समानता पाकर उद्भ्रांत हो उठते, उछल पड़ते थे, और कहीं शोक की प्रबलता के कारण विभ्रांत हो जाते थे, बवंडर की तरह चक्कर काटने लगते थे। अपनी प्रियतमा की खोज करते हुए वे कभी कभी पागलों की सी चेष्टा करने लगते थे। उन्होंने बड़ी दौड़ धूप करके कहीं भी विश्राम न करते हुए वनों, नदियों, पर्वतों, पहाड़ी झरनों और विभिन्न काननों में घूम घूम कर अन्वेषण किया, सीता को ढूंढा। उस समय मिथिलेश कुमारी को ढूंढने के लिए वे उस विशाल एवं विस्तृत वन में गए और सब में चक्कर लगाकर थक गए श्री राम, लेकिन निराश नहीं हुए। उन्होंने पुनः अपनी प्रियतमा के अनुसंधान के लिए परिश्रम में जुट गए। तो इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में हम ये 60वां सर्ग यहाँ पूरा करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अरण्य कांडे 60तमः सर्गः। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम।